घनश्याम सर देखो कि कहाँ कहाँ कैसे ट्रेड पकड़े उन्होंने, वो भी आज तक नहीं कर पाए। उनको तो शर्म में डूब मर जाना चाहिए। फिर 8-10 साल से कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाया उनका अभी तक। उनको जाके बोलो क्या कर रहे हो, छी यार करोड़पति वेस्ट। इंसान को डिसीजन लेने में कितना टाइम लगता है, बहुत लोगों से मैंने पूछा था। सो लॉट ऑफ पीपल सेड व्हाट, कि इंसान को डिसीजन लेने में तो टाइम लगता है, बड़े बड़े डिसीजंस लेने में तो बहुत टाइम लग जाता है। 10 दिन लगता है किसी को, 10 दिन लगता है, 20 दिन, 100 दिन। बट द रियलिटी इज द बिग डिसीजंस हैपेंस इन एन इंस्टेंट। योर कंप्लीट पर्सनैलिटी कैन चेंज इन एन इंस्टेंट। पहले जितना देखा था लाइक अब तो जज हो रहे हैं, हाँ भाई यहाँ से ऐसे निकलना चाहिए है ना, ये आना चाहिए ऐसे, यहाँ पे असल है, अगर यहाँ से ऐसे निकल रहा तो नहीं वेट करेंगे इस चीज का, तो अब वेट करना आ गया, जो नहीं हाँ होता था ना पहले वो वेट करना आ गया। वाह, शक्ल से तो लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। हाँ, पकड़ आ रहे हैं, मेरे को पता चल रहा है ना कि ठीक है यहाँ ऐसा है, यहाँ से दौड़ेगा, यहाँ से नहीं अब होएगा, लग रहा है यहाँ कि से इससे नहीं भाई होगा। पैसा कमा लेंगे, आज नहीं तो कल तो कमा ही हाँ लेंगे। हाँ कमा ले, बस वो फील आनी है ना एंड ऑफ द डे, दैट्स व्हाट मैटर्स, कि चलो आज नहीं तो कल कमा तो लेंगे। हाँ ऑब्वियसली, हाँ ये आ रही है फीलिंग, अब पता लग रहा मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो हाँ ये स्कैम नहीं है, चलता है, बस थोड़ा सा इसमें अपन एडजस्ट हो गए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, प्रैक्टिस हो गई, कमा लेंगे। रहा। हाँ प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस चाहिए तो सब ठीक हो जाएगा, प्रैक्टिस बस वो तो शुरू में बोला रहेगी था तो कि भाई सब। ऐसा नहीं कि 2 महीने के बाद आप बन गए, बट उसका तो कुछ समझ में तो आ जाएगा कि हाँ बन सकते हैं। हाँ गुड, निफ्टी में मैंने पकड़े हैं, मतलब 4 ट्रेड्स लिए अब तक, 2 ही दिन किया मैंने और दोनों प्रॉफिटेबल रहे हैं। क्या बात है, सब लोगों ने अच्छा अच्छा फॉल कैप्चर किया, चलो हाँ बढ़िया बढ़िया। सो 100 पॉइंट बेसिकली तो कब ऐसे से, पकड़ी जा रहे हैं, 100 पॉइंट तो ऐसे आ रहे हैं, 100 पॉइंट ओहो तो आ रहे हैं, ओहो कूल बन रहे हैं शुभम भाई, सौ मजा आ रहा था पकड़ने में यार, जो पॉइंट नहीं होते वही तो, और 100 पॉइंट जब ऐसे आ रहे अपना हैं, कल सारा पकड़ने में आएगा, कल मतलब इन फ्यू मंथ्स। देखो ये मूव तो आता नहीं, आप देख रहे हो 2 महीने से देख रहे हो, कितना ही आया ऐसे मूव्स, लेकिन आ तो रहे हैं आ रहे हैं, बस फर्स्ट ब्रेकआउट टाइम। पे आ रहे हैं बस, बार हाँ तो आ तो रहे हैं ना, आ रहे हैं भैया। बस एंड सी नाउ यू आर एबल टू कैप्चर 100। इमेजिन करो ये 6 महीने आप कर रहे हो, धीरे धीरे 120, उसके बाद ये सेम चीज 1000 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। ओह मैंने कब कर यस लिया, लाइक आंखों में दिख जाएगा, अरे ये कहाँ से रिवर्सल करेगा, कैसे पूरा डाउन ट्रेंड है, कौन लेके जाएगा इसको ऊपर, यहाँ पे तो लोगों को निकाला जा रहा है, इतना ऑब्वियस हो जाएगा वो चीज, थोड़ा सा टाइम और, वो कॉन्फिडेंस की गेम है अब, दैट्स ओनली स्पेंडिंग टाइम विद मार्केट स्ट्रक्चर। गुड गुड, चलो विकास भाई, सैड न्यूज तो है थोड़ी बहुत कि आज लॉस हुआ, बट गुड न्यूज तो है हाँ ना कि आपने पिछले हफ्ते पूरा ही प्रॉफिट किया। गुड, राइट राइट, वो ना जो ट्रेडिंग जर्नल में देख रहे हैं ना, पहले जब स्टार्ट किया था मन तो रेड रेड रेड, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, अभी ऐसा है कि मोस्टली ग्रीन है, एक दो रेड है, ऐसा चल रहा है अभी। क्या बात है यार, क्या बट बात है। सिद्धार्थ डिमांड ऐसा सप्लाई में चलता है गलती हो ना, रही थी, वो भी सेट हो हाँ गया, अब क्या, जो डिमांड सप्लाई में गलती हो रही थी वो पूछ रहा था चाहे पे काफी देर, तो वो भी सेट हो गया, पता लग गया कि कितना क्लोज वाला काम करता है बस बट ये पता। इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, इतना जल्दी होता नहीं है, मतलब अभी हाँ कॉन्फिडेंस मतलब आ रहा है, कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए, बट वो समझने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बिकॉज कभी कभी क्या होगा, स्पाइक्स आएंगे, विक्स बन जाएंगे, खत्म, कंफ्यूजन चालू, हाँ होगा, क्योंकि अभी डायरेक्शनल मार्केट है, साइडवेज में कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा आगे जाने तो समझ जाओगे, क्योंकि तब बड़े बड़े बनाने पड़ते हैं। बताओ प्रियाज, अरे मजा आ रहा है अभी ट्रेड करने में, पहले डर लगता था, अभी तो हाथ फ्रीली जा रहे हैं भाई, कि लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, होने दो। हाँ और मैंने जब भी अभी 2 दिन पहले ही अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है ऑप्शन बाइंग में ही, 100% जैसे ही बुक किया मैंने आपको मैसेज किया सबसे पहले कि भाई थैंक यू हाँ सो मच, मैंने आपको डाला हुआ है वही चीज कि भाई आई वॉज सो हैप्पी, मतलब क्या बताऊँ। और प्रॉफिट तो हो गया, मतलब ओवरऑल जो पहले स्टॉक्स में लॉस हो रहा था फिर तो भाई अच्छा लग रहा है, पर ऑप्शंस में ही मजा आ रहा है, मैं सच्ची बोलू तो, मतलब स्टॉक्स में मेरा उतना हाथ नहीं बैठ रहा है। देखो ये कल परसों मजा आ रहा है, जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा ना तभी पूरा लॉस जाता है, तो उसका ध्यान रखना बस। यस और नहीं, मेरा स्टॉक्स में मेजोरिटी अगर मैंने देखा है ना कि क्वांटिटी हाई रखी है, और मेरा बाद में जब भी खत्म होने के बाद एनालाइज करता हूँ ना, तभी लगता है क्या लिया था मैंने यार, क्यों लिया गलती से, ये मतलब इतना सिली मिस्टेक कर रहा हूँ कि भाई ये क्यों लिया है। आफ्टर मार्केट जब भी एनालाइज कर रहा हूँ ना कि भाई ये गलत था, कि ऑन द स्पॉट पता तो चल रहा है, रात को पता चल रहा है, मार्केट में नहीं तभी लग रहा है कि हाँ सही था, लॉस भी लिया पर सही था, पर जब भी मार्केट खत्म हुआ तभी देखा कि भाई ये ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए था, क्यों लिया, पर अभी वो एनालिसिस अच्छे से जा रही है। चलो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि एटलीस्ट समझ में तो आ रहा है कि गलतियां क्या थी।
हाँ गलतियां समझ में आ रही है, वही खुद से बहुत समझ में आ रही है यस भाई, और क्या चाहिए आपको, कि ये ट्रेड बस थोड़ा में। सेल्फ कंट्रोल का गेम है और क्या। यस डेफिनेटली वाह गजब। मैं डिस्कॉर्ड पे ऐसे मैसेजेस देख नहीं रहा हूँ यार, तो अगर कोई मेरे को डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर रहा तो आई कांट रिप्लाई देयर, वो बंदी नहीं, है मुझे मैं। लगा है कि आप नहीं करोगे, पर मैंने बोला मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं डाल देता हूँ चलो थैंक्स पहले। यार, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, बट 100% वो डैब ब्रो, अरे पैसा दूसरे दिन डबल, भी वही हुआ था, दूसरे पैसा दिन भी। डबल, पैसा हाँ ट्रिपल, एक दिन 21 दिन में नहीं, जल्दी हुआ बहुत। दो दिन में दो बार मैंने तीन ट्रेड पकड़े 100% वाले। नहीं लाइव स्ट्रीम कब चालू कर रहे हो फिर? अभी नहीं, अभी आपके अंडर ही रहना है। करो करो बिंदास करो यार, बट यही चीज तो कॉन्फिडेंस दिलाती है बता, एकदम यू वॉक डिफरेंट, यू टॉक डिफरेंट, सब अलग हो जाता है कि भाई नाउ आई हैव अ स्किल जिससे मैं जिंदगी भर विदाउट द वरी ऑफ एनी काइंड ऑफ ज्योग्राफी, मैं दुनिया में कहीं भी हूं, मेरे को बस पैसे दे दो, मुझे पता है क्या करना है। अब हाँ वो मजबूरी आएगी, मैं उतना ही डिसिप्लिन हो जाऊंगा, जितना चिल में रहूंगा डिसिप्लिन जाएगा। अब वो डिसिप्लिन हो जाता है, यू नो द टूल्स, यू नो द आंसर्स, अब यू हैव अ स्किल दैट कैन मेक यू इनसेनली रिच एंड नोबडी कैन टेक दिस अवे फ्रॉम यू। ये स्विमिंग जैसा है, थोड़ा प्रैक्टिस एंड यू बैक इन द गेम। आपने 1 साल छोड़ भी दिया, कुछ भी नहीं किया, यू स्टिल नो वॉट टू डू। मैं एक दिन पहले अच्छा खासा लॉस लेके बैठा था, जब भी ये 100% किया उससे पहले, एक ही दिन पहले 20,000 का मैंने लॉस लिया था क्योंकि क्वांटिटी बड़ी थी। फिर भाई मैंने बोला कि भाई ये सब नहीं करना, फिर से मेरी गलती कहाँ हो रही है। फिर से मैंने एनालाइज किया, फिर से, फिर नेक्स्ट डे तो भाई, और उसके नेक्स्ट डे भी मजा आ गया कि अभी चल रहा है, कि जब भी सेटअप चलता है तो भाई चलता है, बहुत अच्छे से चलता है। यस सर, एकदम फुल, मतलब एकदम उतना कॉन्फिडेंटली कोई भी ट्रेड ले रहा हो तो कॉन्फिडेंटली, लॉस हो रहा है चलेगा, बट मेरा दिखाओ क्वांटिटी भी कॉन्फिडेंट शक्ल तो दिखाओ अपनी। अच्छा है कुछ। अरे 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 और हाँ बाथरूम से बाहर आके, अरे नहीं आज डायरेक्ट फोन में ही लॉग इन किया है। गौतम लिटरली उसके ऐसा दिखता है, क्या नाम है, कौन है, अच्छा आर्मी ये ना, ट्रेडर, आर्मी मैन ट्रेडर, कौन है वो, नहीं वो स्टॉक बर्नर, सेम ब्रो स्टॉक सेम है कि नहीं, को पता स्टॉक नहीं। टू अब लोडिंग। बर्नर वर्जन 2.0। बताओ स्टॉक बर्नर साहब कैसा लगा आपको सर स्मार्ट? एकदम मस्त, मतलब अभी कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले रहा हूँ, मतलब अभी फिलहाल तो एक दो लॉट जैसे आपने बोला था वैसे ही कर रहा हूँ, बट कैसे उसमें कॉन्फिडेंटली, मतलब पहले लग ही नहीं रहा था कि 1 लॉट में 1800 तक जा सकते हैं। एक लॉट में 1800 तक जाना, एक मतलब लॉट मैं में अठारह कहीं सौ ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में, वो और फीलिंग ही अलग होती है ब्रो, जब 1500 का मार्क क्रॉस करता है ना, खत्म, क्या ट्रेड पकड़ मैंने लिया, 5,500 3 लॉट में खींचा है। ओह गजब। इसमें मतलब ये चीज वो कॉन्फिडेंटली ले रहा हूँ, और मेरा अभी आपने बोला था ना कि तुम जब स्टॉप लॉस मतलब देने की हिम्मत रखते हो कि हाँ तुम्हारा स्टॉप लॉस बड़ा तो तुम टारगेट भी बड़ा खींच सकते हो, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली जब मैं ले रहा हूँ ना तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, 120 पॉइंट आ रहा है, मतलब बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ 125 पॉइंट, तो मैं देने के लिए रेडी हूँ लेकिन चलेगा। वो कैपिटल मैनेज कर रहे हो ना साथ में, परफेक्ट हाँ, उसके लिए मैं वो हिसाब से फिर मैं लॉट एडजस्ट करता हूँ। अभी मैंने 1 लॉट, अगर काफी बराबर है तो काफी, एक एक लॉट सौ कर बीस रहा हूँ, पॉइंट का है तो भाई लॉट कम, हाँ ठीक है हाँ चलेगा। एक लॉट कर रहा हूँ, फिर अगर बेसिकली कुछ ऐसा नहीं है ना कि इतना गया तो मेरा जिंदगी खराब हो जाएगा, वो दिल पे ना 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 लिखा बस, दैट्स व्हेन यू कैन होल्ड इट परफेक्ट। फिर तो उसमें 1 2 लॉट में किया और अच्छा खासा मतलब खींच रहा है, मतलब अभी अभी सिर्फ इतना हो रहा है कि मैं जब ले रहा हूँ ना, मतलब फिर से वो कुछ ना कुछ पिछले की चूल आती है ना कि हाँ ले लेते थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा लेते, फिर लॉस कर दो ना, फिर खुद को ही बोलता कि ठीक है। और मैं अभी ऐसा ले रहा हूँ कि जो प्रॉफिट है ना उसमें से ही काट रहा हूँ, कि अगर मेरा लॉस भी गया तो मेरा प्रॉफिट में मैं प्रॉफिट लेके ही जाऊंगा घर पे, सुपर, वो गलती बंद हो गई थी, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और अब क्रिप्टो में आपने उस दिन सेलिंग बताया कि सेलिंग कर सकते, 3 दिन से रोज सेलिंग करके सो जा रहा हूँ, मतलब सर अब थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे बोलिए। इसलिए कि सर पहले तो जब से कोर्स स्टार्ट किया ना तब से मत अपने रूल्स पर चल रहा था और प्रॉफिटेबल था, अब इस वीक से ऑप्शन जब से स्टार्ट किया है तब से थोड़ी दिक्कत आ रही है सर, मत करो ऑप्शंस, पता नहीं क्यों, अगर ऑप्शंस या फिर स्टॉक में एक भी एसएल कट जाए ना फिर मन नहीं करता ट्रेड करने का। तो एक ही तो ट्रेड, ओनली फॉर टेक ओनली वन ट्रेड अ डे, तो अब थोड़े से ये दिक्कत आ रही है ना, कई बार सेटअप ना भी बनाओ, थोड़ा सा दूर हो सप्लाई जोन से फिर भी ले लेता हूँ। मेडिटेशन कर रहे हो, नहीं सर आवाज कभी हंड्रेड कभी परसेंट नहीं कर रहे हो नहीं, हाँ जी सर, तो बस अब मैं घर पे बैठा के पहले थोड़ी करा सर सकता हूँ। होता था,
पहले थोड़े से रूल फुल हो जाते थे, अब बिल्कुल थोड़ा हो दिक्कत आ रही है। मेडिटेशन करो, हैबिट ट्रैकर मेंटेन कर रहे हो? नहीं कर रहा हूं, बताओ। नहीं सर, बस ये मैं मैं आपसे नहीं करा पहले सकता से। भाई, हाँ जी सर, अभी से और सर करो। मेरा एक डाउट था, अगर सर ऑप्शन बाय किया था आज मैंने एक, बट वो पलट गया, उसका सारा प्रीमियम चला गया, तो पूरे स्टॉप लॉस लॉक तक होल्ड करना है क्या, या फिर एग्जिट ऑफ करने कोर्स को? स्टॉप लॉस तक सर होल्ड करना है। वो व्हाट डू स्टॉप यू लॉस मीन? पर जाकर फिर से पलटा, टारगेट के पास आकर फिर भी लॉस पर था। हाँ तो लॉस भी रहेगा, मतलब आपने ट्रेड गलत लिया है मतलब। नहीं, अभी आप वो सब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अभी आप फालतू फालतू ट्रेड ले रहे हो 100%। एक हाँ काम जी सर, करो, अभी के अभी सेशन म्यूट करो और 5 मिनट मेडिटेशन करो अभी के अभी। मैं गारंटी कर रहा हूँ यू विल नॉट मिस एनीथिंग। अभी चालू करो, 5 मिनट के बाद आके बताना, राइट ओके नाउ। सर, ओके सर, ठीक मैं है, लीव करता हूँ सर, दोबारा ऐड करता हूँ सर। लीव नहीं है, आप म्यूट कर दो इसको, ओके सर, सर हाँ स्पीकर वीकर बंद कर दो और वो सुनो। मैं तुमसे मिलूंगा 8:25 पे। ठीक है, ओके ठीक है सर। मोहित। हाँ तो इस अब थोड़ा मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि और लास्ट टाइम से कंसिस्टेंसी आ गई मतलब बहुत ज्यादा। कि अगर दिन का ऐसा होता है, अगर मैंने जस्ट लाइक थर्सडे था और पहली ट्रेड गलत ले ली थी, मैंने तुरंत एग्जिट किया, सिस्टम बंद किया, अपना दूसरा काम कर लिया, तो जो वो चीज थी ना वो अब कम होगी। कि मैं पहले बैठ जाता था कि अगर पहली ट्रेड गलत हो गई, सेटअप नहीं बना, लेकिन वो होता है ना कि इनसाइड कैंडल बन रही है और उसी के बीच जब वो बन रही है ना उसी में ले लो ट्रेड। वैसी वाली जो विदाउट द थर्सडे था, ब्रेक यू वुडन्ट सेट, हाँ हाँ विदाउट द ब्रेक, गॉट इट। तो उसमें मेरा एसएल भी रहता था कि फिक्स अगर इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो नहीं करना मुझे, मुझे करना था ब्रेक पर ही। लेकिन वो एंट्री ली पहली और वैसा हुआ, तो फिर मैंने क्या कि पहली ट्रेड गलत, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम बंद करो, सब बंद करो और चलो दूसरा काम कर लो कुछ। तो वो चीज हो गई। और उससे पहले मतलब जस्ट लाइक वेडनेसडे था तो आराम से 60% रिटर्न, 80% रिटर्न इजीली निकाल लिया, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब पहले से ज्यादा कंसिस्टेंसी आ चुकी है, अब बेटर है। तो अगर मैं कहूं कि मोहित को अब इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि लॉन्ग टर्म में तो भाई बन ही जाएगा, अगर कुछ हुआ नहीं तो हाँ ट्रेड तो आराम से कर लूंगा। हाँ वो तो मैं आराम से करता हूँ। हाँ बस यही सुनना था। चलो सही है, यही एटीट्यूड पूरा सबका बदल चुका है, मतलब काफियों का बदल चुका है। अरे हो जाएगा, अरे क्या है बिग डील, अब समझ में क्यों बोलता था, आसान है भाई, ट्रेडिंग इज सिंपल। वही, अब मतलब ऐसा होता है ना कि मैं इक्विटी में भी करता हूँ, मैं फ्यूचर्स में भी कर लेता हूँ, मैं ऑप्शंस में भी कर लेता हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर ऑप्शंस नहीं चल रहे मेरे तो मैं इक्विटी में कमा लूंगा, अगर मेरा फ्यूचर्स नहीं चल रहा तो भी मैं इक्विटी में कमा लूंगा, कैश है मेरे पास। जो वो हो चुका है ना, अब पैसे से कनेक्टेड नहीं है कुछ भी चीज, कि ऑप्शन ही अरे करना है। हाँ जो पहले था ना, मतलब इससे पहले था कि हाँ कि फटाफट पैसे करना कमाना है तो ऑप्शन कर लो, लेकिन ऐसा है कि तुम इक्विटी में भी कमा सकते हो, तुम फ्यूचर्स में से भी कमा सकते हो। तुमको अगर डीके नहीं करवाना, मतलब वहां पे होता है कि ऑप्शन में अगर मैं आधे घंटे बैठ जाऊं, थर्सडे था तो वो 50 का जो 24 आएगा ना वो मुझे डरा देगा। तो मोहित यू शुड ट्राई ऑप्शन सेलिंग ब्रो, आपके एटीट्यूड से ऑप्शन सेलिंग परफेक्ट रहेगा। मुझे लगता है कि मैं मोमेंटम ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाता हूँ, अच्छा फिर तो ठीक है, फिर अगर मोमेंटम मतलब एज अ ट्रेडर मुझे लगता है कि मैं सब कर सकता हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकता हूँ। अगर मैं भी, मेरे को वो होता है कि हाँ कि बिकॉज यू हैव एसएल टू लगा के, थिंग्स हाँ मैन, टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव कैपिटल एंड या यू हैव द पेशेंस। या ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज्यादा बन जाएगा तुम्हारा, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, सोचो मैं सबको क्या बोलता हूँ, तुमको पर्टिकुलरली क्या बोल रहा हूँ। ओके यार, नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन सेलिंग भी मैंने स्टार्टिंग में की हुई है इससे पहले भी, लेकिन मैं ऑप्शन बाइंग ज्यादा प्रेफर इसलिए करता हूँ, और क्योंकि मोस्टली ये होता है कि आईवी जैसे कम है, अभी विक्स कम है, तो मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ इस करेक्ट वेडनेसडे थर्सडे, और करेक्ट फ्राइडे को एकदम बहुत ही कम। मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि या तो ट्रेड मिले तो एक ही ट्रेड लूंगा,
फ्राइडे को अगर नहीं हो रहा, मतलब कि जस्ट लाइक सेटअप भी नहीं बन रहा तो छोड़ दूंगा उस दिन, मतलब करूंगा ही नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेरे को। मोस्टली मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ और मोस्टली ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे ही करता हूँ, और क्वांटिटी अपनी उसमें मतलब जितना मेरे से हो सकता है, जितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, मुझे कुछ फर्क ना पड़े, उतना पैसा जाएगा तब भी उतना ही मैं रिस्क लेता। तो ऑप्शन सेलिंग में भी कमा लो, ऑप्शन बाइंग में भी कमा लो, उस वो सिचुएशन डिपेंडेंट है मेरा कि जस्ट लाइक वो अगर इतना कंफर्ट आ गया तो क्या ही चाहिए। प्लेग्राउंड भाई, आज मेरा फुटबॉल खेलने, फुटबॉल खेलने, वही आज थोड़ा स्लो स्पोर्ट खेलना है, टेस्ट मैच खेल लेंगे। हां वही, ऐसा कुछ नहीं कि हां जस्ट लाइक, तो मतलब पहले से ये चेंज आ चुका है कि अब मुझे वो उतना कनेक्टेड नहीं हूं मनी से जो पहले से कनेक्टेड था। सुपर, और आ रहा होगा जैसे ये कनेक्शन टूटा, सडनली फ्लो बढ़ गया होगा पैसों का। वही मतलब कि अब मैं ट्रेड को अपने आप होल्ड कर पा रहा हूँ, मुझे पता है यार ये एक ही तीन बार टच कर चुका है, पॉज कैंडल कब बना रहा है, पॉज कैंडल के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, नीचे ब्रेक कर रहा है, तो कैसे निकलना है वहां पे, 50% तक होल्ड करना है। अब जैसे वो 2000 गया भी सही एक लॉट में, और वापस मैंने उसको 1100 पे बुक कर लिया, मुझे 900 रुपए का गम नहीं है, मुझे 1100 रुपए कमाने की खुशी है। बढ़िया यार, थैंक्स मोहित, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बोले, कुछ को हेल्प करा होगा ये होपफुली। बताइए देवशीष। हाय सुधांश, हेलो। तो मेरा तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कंसिस्टेंसी और बहुत सारी चीजें, मतलब पहले वैसे होता था जैसे आपने एक तो शॉर्ट बनाया था ना कि लास्ट टाइम प्रॉफिट कब हुआ था तुम्हारा, याद भी है तुम्हें? तो उसका थोड़ा ऑपोजिट हो गया है कि अब अगर रेड में डे एंड होता है तो मुझे ऐसा सीरियस नहीं लगता है कि क्या घटिया ट्रेड लिया होगा मैंने, पर एनालाइज करता हूँ मैं तो। अब मुझे एक वैसा रियलाइज हुआ है कि मुझे ना ऐसे ट्रेड जहाँ पे मैंने एंटर करा और उसके बाद अगले आधा एक घंटे तक वो मेरे स्टॉप लॉस एरिया में ही घूम रहा है, उसके बाद मैंने नोटिस करा जब ऐसा होता है ना तो 90% टाइम वो स्टॉप लॉस ही हिट करता ही है। तो मैंने फिर मुझे ऐसे ही लगता है कि या तो मैंने एकदम ही बेकार एंट्री लिया है कुछ। यूजली अगर मैं, लेट मी स्टॉप यू राइट देयर देवाशीष, सो यू थिंक कि अगर आपने आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है देन योर एंट्री इज बेकार? मुझे, मैं ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्या है कि मैं कभी कभी मेरी एंट्रीज इतनी बढ़िया होती है कि मेरे मतलब वो फटता है एकदम, एंटर जहाँ पे मैं करता हूँ ना वो पहले ही मतलब एंट्री मेरा एक बड़े कैंडल के बीच में बनता है मतलब, और उसके बाद विद इन 15 मिनट्स वो 1:1 तो दे ही देता है, और मतलब देख के ही लगता है कि ये मैंने सबसे मतलब मुझे मतलब सब लोगों ने प्रॉबेबली यहाँ पे एंटर करा है, सबके स्टॉप लॉसेस कटना शुरू हुए और ये परफेक्ट एंट्री था। वो जहाँ पे मोमेंटम नहीं आता मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा तो डाउट होता है अपने ही उस पे कि मैं यहाँ तो जोन गलत सिलेक्ट कर रहा है या क्या। देवाशीष, मोमेंटम इज द हार्डेस्ट थिंग इन द मार्केट, लाइक अगर मार्केट के 100 लेवल है ना, दिस इज द 100th यू आर स्क्रूटिनाइजिंग योरसेल्फ कि आपने दो कितना हार्डली 2 months, जस्ट कोहोर्ट की बात कर रहा हूं, हार्डली यू बीन एबल टू फिगर आउट 50% एटलीस्ट 50% ऑफ टाइम्स योर मोमेंटम इज वर्किंग, यू आर ऑलरेडी हाफ वे टुवर्ड्स द अल्टीमेट लेवल ऑफ ट्रेडिंग इन टू मंथ्स ब्रो। लोग क्या बोलते हैं, हमने 4 साल दिए, 7 साल, यू आर हियर इन 2 months, ऑल यू नीड इज टाइम, एंड स्टॉप स्क्रूटिनाइजिंग योरसेल्फ जब भी स्टॉप लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। सोचना कि भाई स्टॉप लॉस हो रहा है तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये कभी मत सोचो, ये सोचो कि क्या गलत गया, वॉज इट मी, मतलब क्या मैंने कुछ एनालिसिस में गलती की, लाइक सबसे पहला सवाल ये पूछना है, मैंने क्या गलती की इज द रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क, गलत क्या हुआ, मैंने इतने अच्छे मूव्स कैप्चर कर लिए ना इस कोहोर्ट के टाइम, मतलब मैं खुद अब वैसा हो गया कि गलत बेकार ट्रेड को, मतलब थोड़ा भी स्लो मोमेंटम देख के ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ऐसे ट्रेड्स में नहीं घुसना, सिर्फ परफेक्ट लुकिंग ट्रेड्स में, पर हाँ मुझे पता है वो तो करोड़पति लोग भी आज तक नहीं फिगर आउट कर पाए हर बार मोमेंटम। घनश्याम सर, सिंपल, गो टू हिज चैनल, ही डिड अ लाइव, ना लाइव नहीं मतलब सीरीज, 2.5 लाख को ग्रो करने वाला, गो एंड वॉच, देखो कि कहां कैसे ट्रेड पकड़े उन्होंने, वो भी आज तक नहीं कर पाए,
उनको तो शर्म में डूब मर जाना चाहिए फिर, 8-10 साल से कर रहे हैं कुछ नहीं हो पाया उनका अभी तक। ओके ओके ठीक है, उनको जाके बोलो क्या कर रहे हो, छी यूर करोड़पति वेस्ट। यस उन्होंने बोला कि आपको 2-3 बार मार्केट उसी वे में 200-250 पॉइंट दे देगा, अभी 80-60 पॉइंट दे देगा। ये मैंने देखा उसकी हिम नॉट इवन मी, मैं तो छोटा बच्चा हूं उनके सामने, ही इज टेलिंग दैट, क्या टेंशन है। You're doing great. You're not doing okay. You're not doing average. You're doing great. बस वो realization चाहिए आपको। देवशीष कैसा बंदा है पता है? For example अपन camping वैम्पिंग जाएंगे, गिटार लेके आ जाएगा, एक solid riff मारेगा ये करके, वो लगा yeah, I just know the basics. ये क्या युरुमा का कौन सा गाना है? River flows in you. वो बजा देगा गिटार पे, बोलेगा हाँ just the basics man. कुछ तो गलत कर रहा हूँ यार, मैं प्रोफेशनल नहीं बन पा रहा भाई। रिवर फ्लोज इन यू बता रहे हो, बहुत है वो। यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर नॉट डूइंग एवरेज, जस्ट रियलाइज दैट यू आर एबल टू कैप्चर इवन वन मोमेंटम, यू आर एबल टू कैप्चर दैट नोइंग कि आप कैप्चर कर रहे हो। मोस्ट पीपल जस्ट कैप्चर इट रैंडमली, आप तो जान के कैप्चर कर रहे हो ना, खत्म, पूरा गेम आप चेंज हो गया। इफ यू आर जस्ट डूइंग इट कि हाँ कुछ तो कर रहे हैं, बन गया देखो आज मेरा प्रॉफिट, जो कमेंट्स में देखते होगे ना, हाँ मैंने तो 2000 से 10000 बना लिया, हाँ मेरे भाई कितनी बार, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, यू कैन नॉट, इट्स इम्पॉसिबल टू कैप्चर मोमेंटम एवरी टाइम, इम्पॉसिबल, एल्गो नहीं कर सकता। टेक द टॉप ट्रेडर्स, जो $1 बिलियन में भी ट्रेड करता वो भी नहीं कर सकता, मार्केट ओवर भी नहीं कर सकता, क्यों करेगा, बेवकूफ थोड़ी है वो। इट्स इम्पॉसिबल, डोंट वरी अबाउट दैट। और गलतियां क्या हो रही है, कुछ और गलतियां हो रही है इन द फंडामेंटल्स, सप्लाई डिमांड मार्क नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, सप्लाई डिमांड जोन का नाइन, आई थिंक मेरे अच्छे वाले ट्रेड्स तो कैप्चर हो जाते हैं, पर बुरे भी हो रहे हैं, आई थिंक बस ऐसे कुछ कुछ, हाउ डू यू नो दे आर बैड ट्रेड्स, जर्नल देख के बताओ, मतलब स्टॉप लॉसेस अगर हिट हो रहे हैं, या मतलब कुछ कुछ वैसे ट्रेड्स जैसे जहां जो मैंने प्रॉपर जोन पे आने से पहले ले लिया। विकास, विकास को इरिटेशन हो रहा है सुन के, क्या बोल रहा है भाई ये, क्या बोल रहा है ये, स्टॉप लॉसेस तो हिट होते ही है, मतलब फिर मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर जोन तक वेट करना चाहिए था, बीच में अगर एक ट्रेंड लाइन बन रहा था शायद उसका उस पे ट्रेंड नहीं लेना चाहिए था। यस तो अब बीच में क्यों ले रहे हो ट्रेड, मतलब वो ट्रेंड लाइंस अगर बन रही है जहां मैंने, अगर 2 दिन की ट्रेंड लाइन बन गई और उसको ब्रेक हो रही है तो कभी कभी इट वर्क्स, कभी कभी कैसे ब्रेक हो रही है, मतलब वो ब्रेक डाउन हो गई है सेटअप, हाँ सेटअप पे वही इनसाइड कैंडल। किस में तो, है कोई रीसेंट ट्रेड है ऐसे मुझे याद नहीं, पर जर्नल में देख लो, चेक करके मैं एक बार प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम, अभी देखो अभी देखो, चलो देखते हैं प्रॉब्ली अभी मेरे एक बना सा बैंक निफ्टी में ना परसों, नहीं 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 अरे वो बताए जर्नल में लिखा हूँ मैं, 100% देवशीष ने लिखा ही होगा जर्नल में, ऐसा थोड़ी को मेंटेन नहीं कर रहा भाई, तुम्हारी शक्ल ने बोल दिया आंसर, स्माइल ने ही सब बता दिया उसके, बस मुंह से निकल गया भाई, ब्रदर दैट्स द गेम, आपको पता चला हाँ मुझे थोड़ा, I've given you properly. all the tools, man. I've given you step-by-step tools. मैंने habit tracker पहले इसलिए दिया कि चालू करो, habit में आना तो चालू करो, इसीलिए 2 months था, मैंने बोला देखो first हफ्ता आपको बहुत chill लग रहा है, उसका ऐसा pace पकड़ेंगे you won't be able to catch up. इसे चालू करो journal. In fact, कल 2 दिन लो, if trading is important to you, 2 दिन लो, सारे trades को खुद journal enter करो, सारे trades. नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा. हाँ करेक्ट, मैं देखोगे तो honest, 2 मंथ बाद फिर हेल्प बहुत ही आई हेट दैट प्रोसेस ऐसे, पर आई नो गेट इट मैन, आई गेट इट, आई डोंट लाइक इट ईदर, इट्स सो बोरिंग, लेकिन एसएल क्यों लिखा वो नहीं समझ में आएगा ना भाई, एसएल क्यों लगा, हाँ
कहीं ना कहीं मैं वेट कर रहा हूँ कि ऐसे सेकंड नेचर बन जाए मेरा, सबकॉन्शियसली फिगर आउट कर लूं मैं, और फिर वो पॉसिबल नहीं है ना, इट्स नॉट पॉसिबल. याद है मतलब मैंने जर्नल बनाया तो सिद्धांत भाई मुझे याद है कि चार बार मैंने डिमांड एंड सप्लाई में गलती करी है, चार बार मुझे टोटली याद क्या बोल रहे रिजवान मौलाना सर, घनश्याम सर का नहीं बना तो हम लोग का कहाँ बनने वाला है, वो भी लिख रहे हैं, जनरल मेंटेन कर रहे हैं. या रिमेम्बर शुभम का स्टार्टिंग में कैसा प्रॉब्लम था फॉर सप्लाई डिमांड, जर्नल से ही फिगर आउट होता है यार. आई मीन दैट्स द ओनली वे, बिकॉज देखो कैसा हम डिस्क्रेशनरी सीख रहे हैं, इफ यू आर डूइंग एल्गो या फिर हम ऑटोमेटेड सिस्टम्स बना रहे होते तब दिक्कत नहीं है, बट आप सिस्टम कैसे बनाओगे विदाउट नोइंग व्हाट इज वर्किंग व्हाट इज नॉट. How will you know what is working? यही तो this is what separates traders from loss makers. ये process, trading simple है. वो तो आप देख रहे हो. Even you know कि you know trading. But this annoying process कोई replace कर देता तो अच्छा रहता. यार वही है ना, do ऐसा मत करो कि यार मेरे को ज़िंदगी भर करना है. Just tell yourself चल ठीक है यार. मैं देवाशीष शपथ लेता हूँ कि मैं खुद को 2 महीने दूंगा बस, अप टू यू, गिव 1 मंथ, जस्ट नेक्स्ट 30 डेज आई विल फॉलो एवरी रूल 30 डेज. बस दुनिया को देखती है ना भाई, ये इंसान 30 दिन तक रूल पे स्टिक नहीं कर सकता, क्या खाक ये पैसे का कुछ कर पाएगा, उड़ा देगा, वेस्ट है. एनीथिंग दैट यू बिलीव इन, गॉड, एनर्जी, यूनिवर्स, पावर, योरसेल्फ, इवन योरसेल्फ, योर ओन सबकॉन्शियस विल नॉट लेट यू बी रिच, क्योंकि क्या करेगा पैसा कमा के, you don't deserve it. ये subconscious में चलता रहेगा. Why? Because you know when you deserve it. You know you have to do this. Problem वो हो गया. If you didn't know, maybe it worked. But now you do. तो अब subconscious वही कर रहा है कि भाई जब तक ये करने नहीं वाला, I can't really help him out. As soon as you start writing journal, you don't even have to analyze it. अपने आप आ जाता है, पता है? Of course analysis करना है, but वो अपने आप clarity आ जाती है. मुझे खुद को पता चला कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सेटअप जो है वो इनसाइड कैंडल है, और उससे ही मैंने 80% ऑफ प्रॉफिट कमाया. इनसाइड कैंडल, कितनी गालियां पड़ती है, नहीं काम करता, प्राइस एक्शन ओल्ड हो चुका है, ये है वो है, सुन लो. नहीं, मेरा भी फेवरेट सेटअप है. मैंने इस कोर्स के थ्रू ही मैंने रियलाइज करा है कि कितना पावरफुल है वो, कितना अमेजिंगली इतना कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करता हूं. अब तो मैं इनसाइड कैंडल अगर बन गया जोन पे तो देयर यू गो, थोड़ा सा सबकॉन्शियस अब हेल्प करना चालू कर रहा है. माय फेवरेट सेटअप, देयर यू गो, कितना सिंपल सेटअप है, और से खाली अच्छे एरिया पे बनने की उसकी देरी है, खत्म. फिर तो मजे ही मजे. चलो और बताओ देवशीष. और एक और मेजर प्रॉब्लम मुझे जो दिख रहा है वो काफी मतलब ऐसा ब्रेन फॉग का है. मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन प्रॉब्ली कोर्स के बाद मैं ब्रेक ले लूँ, मेबी 1 हफ्ते का. ब्रेन फॉग क्या कर रहे हो? हाँ, दिनचर्या बताओ. मेरा नींद थोड़ा सा हैम्पर होने लगा है, या तो आई थिंक वो अदर रीजंस की वजह से भी है. आई थिंक वो मेरा नींद तो हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, पर मतलब वैसे ही होता है. जैसे मुझे पहले मैं चेस खेलता था तो उसमें भी अगर मैं बहुत सारे मैचेस खेल लेता हूँ ना, उसके बाद वो एकदम से वैसा होने लगता है कि डिग्रेड होने लगता है परफॉर्मेंस. आई टेल यू द आंसर टू दिस, द आंसर इज डिसिप्लिन, नॉट अ ब्रेक. ओके, बीन देयर मैन. मैं डोटा प्लेयर हूँ, डोटा इफ एनीबॉडी नोस, इट्स 3D चेस ऐसा समझ लो. नींद जरूरी है भाई. अब देखो अभिषेक कैसा है ना, ये पूछ नहीं सकते कि नींद किसके वजह से उठ रही है. Could be many, any reason. नहीं, वो not any simple reason जो मैं खुद आसानी से fix कर पाऊँ, ऐसा reason तो definitely नहीं है. बता दो हंस रहा है. नहीं नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है. अरे it could be anything man, कुछ personal हो सकता है. Right, so अरे I hope ऐसा कुछ आसान reason होगा. इतनी खुशी. I wish. अरे रुक जाओ भाई. So anyway, जो भी reason है वो sleep तो आप देखो, इफ यू कैन इफ यू कांट, बट एट द सेम टाइम दिस कैन ओनली बी फिक्स थ्रू डिसिप्लिन. आप किसी ना किसी एस्पेक्ट में आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा. लेजीनेस को आपको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा बस, एंड दैट विल हैपन लाइक दिस. यू हैव टू डिसाइड दैट.
रिमेम्बर हमने एक बात की थी कुछ दिन पहले कि इंसान को डिसीजन लेने में कितना टाइम लगता है, बहुत लोगों से मैंने पूछा था, सो लॉट ऑफ पीपल सेड व्हाट कि इंसान को डिसीजन लेने में तो टाइम लगता है, बड़े बड़े डिसीजन लेने में तो बहुत टाइम लग जाता है, 10 दिन लगता है किसी को, 10 दिन लगता है, 20 दिन, 100 दिन, बट द रियलिटी इज द बिग डिसीजन हैपेंस इन एन इंस्टेंट, योर कंप्लीट पर्सनैलिटी कैन चेंज इन एन इंस्टेंट. रिमेम्बर दैट, किसी से बात हुई थी कि भाई क्या आप किसी को चप्पलों से मार सकते हो, तो उसने कहा था नहीं नहीं मार सकता भाई, ऐसा समथिंग लाइक दैट. बट अब इमेजिन करो कि आप 4 लोगों के बीच जा रहे हो, उनको तो चप्पल से नहीं मारोगे, लेकिन वो सेम 4 लोग फुल हट्टे कट्टे हैं, अब आपके परिवार को छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपके लव्ड वंस को खींच के लेके जा रहे हैं, चप्पल क्या किस जो देगा उससे मारोगे, उसको खत्म कर दोगे उसको इंस्टेंटली, सेम पर्सन. ये बोलते ही 2-3 लोग जिसने इमेजिन कर लिया उसका एकदम सडनली कुछ तो अंदर हो गया, व्हाट द हेल मैन. विनीत सा आई थिंक बात हुई थी, यस. सो इट्स दैट, इट्स विद इन यू मैन देवशीष, इट्स नॉट समवेयर एक्सटर्नल, इट्स नॉट अ ब्रेक दैट्स गोना फिक्स इट. देखो अभिषेक के अंदर हो भी गया, इट्स हैपेंड. ये क्या, ये देखो अनिल भाई तो फुल फील में आ गए. So that's what I'm trying to tell you, Devashish. It's all within you. It can happen in a snap. But for snap ke liye, why do you want somebody to trouble your family taki aap change ho? Why wait for that? Do it now. You can. Kyunki aap rules pe strict nahi ho rahe ho. Discipline ka issue aa raha hai. And discipline ka issue fix karna comes from within. Wo koi externally main aapke thop nahi sakta. I can give you the tools, but वो decision आप ही को लेना कि नहीं भाई screw it. और इसको करने का मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ, बस sit down and write down आपकी जिंदगी में क्या important है, and हर moment पे ये सोचो कि क्या choose कर रहा हूँ मैं. देखिए इंसान की जिंदगी में you can only have 3 to 5 most important things in life. Right? It could be your family, it could be your own bank balance, it could be a happy life. It could be growth, it could be friend circle, it could be sleep, right? वो decide करो कि आपके जिंदगी के top 5 priorities क्या है, and in every moment before you do anything, कुछ भी करने से पहले ये सोचो कि मैं इस moment में क्या choose कर रहा हूँ. Am I choosing what I want now, or am I choosing what I want most? एक विनर और लूजर में यही अंतर हो जाता है. जो विनर रहता है ही ऑलवेज चूजेस व्हाट ही वांट्स मोस्ट, और एक लूजर व्हाट ही वांट्स नाउ. सो इंस्टेंट प्लेजर्स साइड रखो, लॉन्ग टर्म गोल्स ये सब चीजों को आगे रखो. लॉट ऑफ पीपल लुक डाउन अपॉन क्या लॉन्ग टर्म गोल, अरे मजे करना है जिंदगी तो मजे के लिए. हाँ भाई मजे है, दिस इज फन बिकॉज आई एम चूजिंग व्हाट आई वांट, यही तो मजा है, मैं खुद ही तो चूज कर रहा हूं ना. बस मैं तुम्हारे ऐसा अंधा नहीं हूं कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या चूज कर रहा हूं लॉन्ग टर्म में. तुम अभी चूज कर रहे हो, आज से 5 साल बाद क्या, गो मीट एनी 35-40 year old who's doing a job. कितने लोग खुश हैं. एनी ओपन चैलेंज लाइक कितने लोग खुश हैं. राइट, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डिसाइड मैन. बिकॉज जैसे मैंने बोला होगा ना, वॉट यू वॉन्ट मोस्ट, एक आध चीज तो फ्लैश कर गया होगा भाई, ऑब्वियसली आई वॉन्ट दैट. वो जो ऑब्वियस चीजें हैं ना, उसके लिए किसी को भी मत छोड़ो, नथिंग. एंड सी अगर उसमें कहीं पैसा है या ट्रेडिंग है या ग्रोथ है, कुछ भी है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. इज ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट, येस ग्रेट. अगर ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है तो ट्रेडिंग के लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, ग्रेट. सो बेसिकली बाई चूजिंग डिसिप्लिन यू आर चूजिंग वॉट यू वॉन्ट मोस्ट. ये स्टेप आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, यू हैव टू फिगर आउट व्हाट यू वांट मोस्ट, ठीक है, एंड फ्रॉम दैट डिसाइड व्हाट कम्स विद इन दैट, उसको क्या हेल्प कर सकता है वो अचीव करने में. बट हाँ अगर उसमें ट्रेडिंग नहीं आता है, डोंट वेस्ट योर टाइम और एनर्जी और माइंड, यू सीख लो, स्किल सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका प्रैक्टिस इसका एप्लीकेशन बाद में करो. बिकॉज जब तक वो अंदर से नहीं आएगा, आपको सामने आप दिख रहे लोग रिजल्ट ले रहे हैं, you won't get that, you'll feel demotivated, you'll think you are the problem, but it's not that, you are not the problem, aapke priorities issue hai. Just figure that out at least.
प्रायोरिटीज फिगर आउट करना आता है, उसमें भी किसी को हेल्प चाहिए। सिंपल प्रोसेस है यार, 5 मिनट का मेडिटेशन करो, नोटबुक पेन लो, लिखना चालू कर दो, राइट डाउन 50, राइट डाउन एज मेनी एज यू कैन, गिव योरसेल्फ 30 मिनट्स, जितने आ रहे हैं सब लिख डालो, मेरे को क्या क्या चाहिए जिंदगी में। उसके बाद टेक 10-20 मिनट्स, सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू एंड यू हैव टू बी ब्रूटल। उसमें ऐसे ऐसे ऑप्शन आएंगे ना, वे शीला या रेखा दोनों बहुत अच्छे हैं, बट हैव टू चूज वन। शीला ले लो भाई, उसके ज्यादा अच्छे। सो चॉइसेस आर डिफिकल्ट, बट यू हैव टू चूज, लाइक कुछ कर ही नहीं सकते, यू हैव टू चूज। इफ यू डोंट, यू आर जस्ट पुटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर आगे जाके। ये कैसा है पता है, आप अपने फ्यूचर से खुद ही उधार ले रहे हो कि देवशीष यार तू 2027 में देख लेना प्लीज, मैं अभी टाइम पास करता हूँ। सेट डाउन, आस्क योरसेल्फ 2027-2030 का वो कैसे गालियां गिन रहा, क्या पागल है क्या यार, तू कर लिया होता तो कितना सेट रहता, थोड़ा सा तू कर लेता डिसिप्लिन। काश काश 2 साल पहले मैंने ये कर लिया होता, कितनों की कहानी है ये। लाइक ये को फिल इन द ब्लैंक्स, पुट एनीथिंग, काश 2 साल पहले मैंने डैश कर लिया होता। इसमें एक चीज का प्रॉब्लम आता है, लाइक मेरा एक हैबिट है, मतलब बहुत गंदा, मतलब बैड हैबिट है, मतलब लग गया है, आदत लग गई है, बट ऐसा है कि मैं जानता हूं मेरे को छोड़ना है, 2 दिन रुकेगा, 3 दिन रुकेगा, एंड 4th दिन लाइक फक इट करना है, छोड़ दे, मतलब वो उसमें उसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि उसको अप्लाई करने के लिए 3-4 दिन होते हैं, एंड देन फिर से वो मतलब सब बिगाड़ देता है, वापस 3-4 दिन करूंगा फिर से वो बीच में आ जाएगा। देखो अगर चेस्ट के ऊपर की कोई हैबिट की बात कर रहे हो, सो लीव इट स्लोली, कोल्ड टर्की डजंट हेल्प। अगर चेस्ट के नीचे की हैबिट्स की बात कर रहे हो, लीव इट इमीडिएटली इंस्टेंटली। ना 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 ना, चेस्ट पे स्मोक, मतलब वही निकोटिन का मतलब ज्यादा वो है, क्लियर बोलना बेटर है। वेल अगर सुट्टे की बात कर रहे हो, यू कैन ग्रेजुअली लीव इट, बिकॉज़ बॉडी को यूज्ड टू हो जाती है बॉडी। सी यू कांट जस्ट लीव समथिंग, यू नीड टू नो व्हाई यू आर लीविंग इट, बिकॉज निकोटीन डज हैव बेनिफिट्स, निकोटीन के आपको टेस्टोस्टेरोन में भी बेनिफिट्स मिलते हैं। I don't think you knew that your reaction says. So your testosterone increases when you're smoking, when you have nicotine in your body, or you researched it. Right. Plus your heartbeat races faster, your focus is higher. Yeah. But then why do you want to leave it? Is cheese pe clarity law? What do you want more? Kya aapko better health chahiye, better zindagi chahiye long term? Kya aapko apne poton ke saath bhagna hai? Do you want to stay active throughout your life or do you want to risk yourself getting lung problems in the future? Kya aapko chalega wo? Then smoke, who cares? मतलब वो चीज का, मतलब वो चीज तो मेरे दिमाग में आती नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म वाला, बट मेरे को अभी छोड़ने का रीजन जस्ट बिकॉज वो लिप्स ब्लैक होना और ये सब चीज मेरे को नहीं पसंद, बस ये एक रीजन है। अगर नहीं होता रहता लंग्स, तो ये तो छोटी मोटी चीज है भाई, लिप्स ब्लैक होना वगैरह, ये तो तुम चैपस्टिक लगा लो, स्क्रब कर लो। हमने डे 1 पे वही फिगर आउट किया था, व्हाट्स योर व्हाई, व्हाई यू डूइंग दिस, व्हाई यू डूइंग एनीथिंग, क्यों कर रहे हो कुछ, क्या मैटर करता है जिंदगी में, डोंट लेट एनीथिंग matter more than what matters the most to you. मेरे को फिट होना है, सामने केक पड़ा है, मेरे को जिंदगी में फिट तो होना ही है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है फिट होना, बट केक यार कोई नहीं, एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन घंटा एक दिन। सबसे सबसे खराब चीज पता है क्या है दुनिया में, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी हाउ सो भाई साहब, हमें बोला जाता है कि सस्टेन करनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए चीजें, सच है, but how will you sustain something that is inherently unsustainable? मोटापे को बोला जाता है sustainable living, खराब खाना, lack of protein, sustainable living. नहीं नहीं नहीं, first get into a place where you can sustain yourself, उसके बाद करो ना जो करना है। आप 150 किलो के ये नहीं बोल सकते एक चलेगा केक, एक भी नहीं चलेगा, सांस सूंघना भी नहीं है केक,
फर्स्ट बिकम 75, गेट अ गुड बॉडी, गेट इन अ गुड शेप, देन से आई कैन चीट, तब चलेगा. राइट, सो फॉर यू गौतम, फर्स्ट रिड्यूस द क्वांटिटी, देन से एकाध चलेगा मेरे को महीने में. लाइक इफ यू वॉन्ट टू, अदरवाइज यू कैन जस्ट कंप्लीटली लीव इट. फर्स्ट गेट इन टू अ प्लेस वेयर यू कैन सस्टेन इट. बट वही, उसके लिए यू गॉट टू फिगर आउट कि व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू. बताइए उसके लिए सोच. अनिल भाई बताइए, अनिल सिंधवानी. हेलो सर, कैसे हो? अरे एकदम बढ़िया, आपकी शक्ल देख ली और अच्छा हो गया. बोलिए. थैंक यू सर. मेरे लिए सर ऑनेस्टली तो जैसे बोलते हैं ना कि मेडिटेशन का जर्नी कैसे रहता है, वैसे ही कोर्स रहा है ऑनेस्टली. कुछ ही चीजें बहुत डिस्टर्ब कर दी थी ट्रेनिंग में. हालांकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि प्रॉफिट मुझे हमेशा से आते थे 40-50 के. ढाई तीन साल से ट्रेडिंग करता हूँ इसकी वजह से, और शायद से अपने बैच में सबसे बड़ा भी मैं ही रहूंगा, नियर बाय 39 ईयर ऑफ एज. देयर इज अ टू थिंग आई रियली ऑनेस्टली लर्न इन दिस कोर्स, कि पहले मैं जब ट्रेड लेता था ना तो नंबर ऑफ टाइम पे ऐसा होता था कि मैं पेयर में ट्रेड ले लेता था, क्योंकि मुझे डर लगता था एसएल देने के लिए ज्यादा. तो होता क्या था कि मैं कॉल भी ले लेता था, पुट भी ले लेता था, और जो चल जाता था उसमें मुझे प्रॉफिट हो जाता था, जो लॉस होता था वो 30-40 पॉइंट देके मैं लॉस एक्सेप्ट कर लेता था. लेकिन जितने भी वीडियोस आपने अभी तक दिए हुए हैं या उन सब में से मुझे इतना अच्छा लर्निंग मिला है कि अभी मैं लॉसेस दे पाता हूँ बहुत अच्छे से. 30 पॉइंट देना है, 40 पॉइंट देना है. पहले मेरे लॉसेस सर बड़े रहते थे, क्योंकि मैं घनश्याम सर को बहुत फॉलो करता था. नियर बाय 70-70 पॉइंट के मैं लॉसेस देता था, पहले मुझे प्रॉफिट भी मिलते थे. लेकिन अभी आपके कोर्सेज में मुझे इतना अच्छे से पता चला है कि 30 पॉइंट में भी लॉसेस दे के भी अपने को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है. रिसेंट दो दिन के अंदर सबने प्रॉफिट किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट फॉल हो रहा है. तो मैंने ये भी देखा कि एक लॉट में भी हम लोग 2150 रुपए तक प्रॉफिट कमा सकते हैं सर. ऑनेस्टली 4000 कमा सकते हैं भाई, 5000 में लगा एक. हां भाई, ये देखो नहीं, डेफिनेटली सबने काफी अच्छा प्रॉफिट किया होगा. लेकिन मेरे केस में मैं क्वांटिटी पहले ज्यादा रख के अमाउंट ज्यादा मिलता था. अभी क्या था, जब से सिद्ध सर का क्लास ज्वाइन किया था तो हम एक ही लॉट ले रहे थे. तो उस केस में मैंने वही ऑब्जर्व किया कि एक लॉट में इतना मिल सकता है कम लॉसेस दे के, और ये सब चीजें मेरे लिए हमेशा से अच्छी रही, पॉजिटिव रही है इस कोर्स के दौरान, मैं बोलूंगा. तो आई एम रियली हैप्पी एंड रियली वांटेड टू थैंक यू दिल से. कि आप एकदम लास्ट मोमेंट पे आए थे वैसे. हाँ, I know. और उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि समवन हैज बीन पास्ड इन माय फैमिली एंड यू अलाउ मी एट द लेट ये एडमिशन ले लूं मैं. और मैंने आपको अलाउ नहीं करता यार, आपका इतना बड़ा कृपा रहा है लाइव स्ट्रीम पे, ऑलवेज देयर. नहीं सर, मैंने आपको उस टाइम भी बोला कि I know. आपने जो सप्लाई डिमांड सिखाया, मैं सप्लाई डिमांड को पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह देखता था, और मैं क्या करता था कि एक लाइन ड्रॉ कर देता था, एक ऊपर लाइन एक नीचे लाइन. तो उससे होता क्या था कि जो विक्स जो रहती थी, जैसे बड़ी बड़ी विक्स हो गई, तो उसके चक्कर में मेरे लॉसेस ज्यादा होते थे, क्योंकि मुझे वहां पे समझ में नहीं आता था कि मुझे एग्जैक्टली ट्रेड को कैसे फॉलो करना है. लेकिन आपके वीडियो दो दो तीन तीन बार भी देखे हैं मैंने आपने जो, और अपने ग्रुप में जितने सारे लोगों ने बहुत सारे डाउट पूछे, तो उस केस में कैसे मुझे बहुत कम पूछना पड़ा. इन लोगों ने इतना कुछ पूछ लिया कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ता था कि मैं एडिशनली कुछ पूछूं ऑनेस्टली. तो द ग्रुप वाज एक नंबर, एक नंबर वाला. तो उसका बेनिफिट भी मुझे बहुत ज्यादा हुआ एक्चुअली, इसलिए मैं कम बोलता था ग्रुप में कि और क्या पूछूं, मुझे तो और कुछ पूछना नहीं था. कभी देवीश्री पूछ लेगा, कभी गौतम पूछ लेगा, कभी कोई ना कोई पूछ लेता था. तो मुझे क्लैरिटी काफी मिल रही थी. और पहले क्या होता था सर कि मैं 16-17 ट्रेड्स भी लेता था एक दिन में, मेरे को प्रॉफिट 4,500 था. अभी मैं हार्डली 3 या 4 ट्रेड लेता हूँ सर मैक्स टू मैक्स. वाह, इस वीक के दौरान सर, एज यू नो कि मैंने बताया था मेरी वाइफ वाज नॉट वेल, उस पीरियड में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया. लेकिन लास्ट वन एंड हाफ वीक से मैं काफी एक्टिवली ट्रेड कर रहा था. सिर्फ मैं बता नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है फैमिली के अंदर, तो उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहूं या इन सब बाकी चीजों पे एक्टिव. और एक गुड न्यूज सर, आई होप यू रिमेम्बर हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए ट्रेडिंग के अलावा सर्वाइवल करने के लिए स्टार्टिंग में. तो उस टाइम पे मैंने भी कहा था कि हमेशा अपने पास दूसरा ऑप्शन रहता है बैकअप में,
तो आई टोल्ड यू कि 2 महीने पहले मैंने एक रजिस्ट्रेशन और एक किया था आपके क्लास के साथ में फॉर द बिजनेस एनालिस्ट सर्टिफिकेशन. तो ऑन 6 अगस्त आई एम गोइंग टू गेट द सर्टिफिकेट बिजनेस अरे एनालिस्ट. वाह, कांग्रेट्स. और आई गॉट द जॉब इन टीसीएस. द सैलरी इज नियर बाय 16 लाख एज एम फ्रीलांस बिजनेस एनालिस्ट टू देम. अरे बाप रे, गजब. कांग्रेट्स 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 थैंक यू थैंक यू. कांग्रेट्स. गजब मेरा जो गजब, लास्ट सैलरी था ना, कांग्रेट्स सर, कांग्रेट्स. थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच. तो मैं जितना टेंशन में था ना सर के पास आने से पहले, इवन टेंशन तो देखो सबको रहता है हमेशा, किसको फाइनेंशियल रहेगा, किसी को रिलेशनशिप में रहेगा, सबको रहेगा. और हर कोई कोई बताता है कोई नहीं बताता है, लेकिन ये ग्रुप ने मुझे थोड़ा फ्रीडम दिया अपने आप को एलोबरेट करने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि यही कोर्स था कि हम लोग सब डिस्कस कर रहे थे. तो मैं भी थोड़ा फ्री हुआ इनिशियल टाइम में, भी थोड़ा बातें किया सर के साथ में भी ग्रुप में भी. तो इसीलिए फिर मैंने आज बताया कि मुझे जॉब मिल गया है. जनरली लोग 2 महीने के बाद बताते हैं, लेकिन मैंने आज ही बता दिया. चलो टच वुड भाई, बहुत अच्छी बात है. और सर ये गुड. ऑनेस्टली ये जॉब मिडनाइट टाइप में है, पता है क्या, शाम को 4 बजे के आसपास मेरा काम शुरू होगा और रात को 2:30 बजे तक खत्म हो जाएगा. और ये मेरा जो पहले का जो फील्ड था वो ऑपरेशन फील्ड था, ऑपरेशंस, बैक ऑफिस ऑपरेशंस. उसमें कहता था कि बहुत एक्टिवली काम करना पड़ता था क्योंकि मैं लिटरली में काम करता था. अभी ये बिजनेस एनालिस्ट का वर्क है, इसमें क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट वाइज वर्क है, तो मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ और मैं ट्रेडिंग को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकता हूँ. तो और खत्म. अभी बहुत अच्छे से सीखने को जो मिला है ये सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट और बाकी जो भी आपने थेरीज या कुछ सेटअप बताया है, तो वो सेटअप से ही मैं भी ट्रेड करता हूँ जनरली, और बाकी कुछ एडिशनल सेटअप नहीं लगाता हूँ. चलो गुड टू नो भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब थैंक यू ऑल्सो. सो मच सर, सर दिल से थैंक यू आपको. एंड अरे इवन द थैंक्स टू ग्रुप मेंबर्स जो एक्चुअली इतने क्वेश्चन पूछते तो बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाता है. दो चार लोगों को स्टील मार के बैठा कांग्रेचुलेशन है. फुल फुल मस्त कमेंट्स वाला बैठ के कमेंट्स पढ़ना भी है भाई. ठीक है माहिन, बताइए. भाई. थैंक यू हेलो सर, कैसे हो? बस बढ़िया, बताओ. सर बहुत बढ़िया चल रहा है. बिल्कुल स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कुछ समझ, मतलब कोर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ नॉलेज नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था. ऐसे ही हवा में सब कुछ करते रहते थे, तो क्योंकि ज्यादा टाइम हुआ नहीं था मार्केट में. तो अब जब से स्टार्ट किया है तो सर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, छोटा कम भी नहीं, बहुत ज्यादा. वाह. तो मतलब ये भी नहीं है, मतलब जब बिल्कुल स्टार्ट किया था तो होता था कि जैसे आपने, जब से आपने मतलब सब कुछ कर रहा था साथ साथ में, थोड़ा जर्नलिंग हो गया, फिर हैबिट ट्रैकर डे 1 से मेंटेन कर रहा था. जर्नलिंग थोड़ी लेट शुरू करी थी, ठीक है, और मेडिटेशन भी अभी थोड़े दिन पहले ही करी है. तो फर्क पड़ रहा है सर, मतलब छोटी छोटी चीजें कहने की बात होती, ये सबसे फर्क पड़ रहा है सर, बहुत ज्यादा पड़ रहा है. और स्टार्टिंग में लॉसेस बड़े थे. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉफिट में, पर प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉसेस जब हो रहे हैं तो काफी कम हो रहे हैं. परफेक्ट. और ऑप्शंस अभी नहीं स्टार्ट करी क्योंकि रीजन बीइंग कि अभी कैपिटल मेरे पास कम है, ठीक कोई दिक्कत नहीं, है. छुट्टी में तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं. और मैं अभी लास्ट 2-3 डेज से ट्रेड नहीं कर पाया, थोड़ा मैं बिजी था. तो बाकी सर बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है. और ऑप्शंस भी मैं थोड़ी देर तक करूंगा शुरू, मेरे पास अभी कैपिटल आ जाएगा तो जो मेरे, करो तो मैं करो करो जरूर सेफली करूंगा. करो, क्योंकि कैपिटल शुरू शुरू में आता है तो इंसान बहुत उतावला सा हो जाता है. बी केयरफुल अबाउट नहीं दैट. सर, रूल्स के साथ बिल्कुल सही, सुपर बाकी सुपर सब कुछ बहुत अच्छा है सर. सर सर. आपका जिस दिन कोर्स भी, जब मतलब जब आपने वो भी किया था ना स्टेप 1 टू 1%, तो उसके अंदर भी मेरे को याद है कि बिल्कुल जब आपने उसमें करा था तो उसमें कुछ लोग थे वो कह रहे थे कि नहीं हमारे पैसे खराब हो गए ऐसे वैसे, आपने कुछ भी मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक सिखा रहे हो. एक बंदा था. हाँ वो उस मैंने फिर वो देखा कि वो एक बंदे करके आपने स्पेशल उस दिन क्लास लगाई वहां पे, सबको आपने बताया. तो सर उस दिन मेरे को मतलब हुआ कि नहीं यार ये बंदा है, सिर्फ एक जाने के लिए इसने इतना किया तो मतलब हमारे को पकड़ के कहीं ना कहीं आगे तो लेके जा ही सकता है. और सर वो बात तो सर क्या अब बात दिख है, ही रही है. चलो सही है सही है. सर बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है. थैंक अरे वाह, सो स्वीट मैन, थैंक यू सो मच. यू सर, ऑल थैंक्स टू यू सर. एनी टाइम. और कौशिक भाई हेलो सिद्धन भाई, चल रहे मस्त चल रहे सब, एकदम रोल्स क्या बात डिसिप्लिन है, सब कौशिक के मुंह से ये सुन रहा हूं मैं. सब डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है. फॉर कॉन्टेक्स्ट, कौशिक मतलब मैं सुबह डिस्कॉर्ड खोलता था कौशिक से एक डीएम, क्या ट्रेडिंग नहीं हो रही कुछ कर दो, समझ नहीं आ रहा मेरे को ट्रेडिंग, समझ नहीं आ रही कुछ बता दो. लाइक रोज बताओ भाई. बस वो रूल्स और डिसिप्लिन का था पहले, लाइक अभी फुल लाइन पे आ गया सर. बस सही वही बोला, आज एक थोड़ा स्क्वाड में कॉन्फिडेंस. सबसे एक्ट कौशिक ही था.
सबसे डिस्कॉर्ड में सबसे एक्टिव कौशिक ही रहता है, सब समय हर वक्त रहता है। यस थैंक यू। तो आज थोड़ा कॉन्फिडेंस के इश्यू हो गया था कि मतलब मुझे पता था कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है ये सब वो सब, जैसे मार्केट स्टार्टिंग ओपनिंग होते ही सेलर पुश के ऊपर से बायिंग इतना स्ट्रांग आया, तो जहां से मार्केट रेंज करके 45,100 पे रेंज बना रहा था उधर पे शूटिंग स्टार बना, तो मैं डाउनसाइड का ट्रेड लेने के लिए सोच रहा था, बट वो जो स्ट्रांग बाय ट्रेंड आया मतलब दिन का, वो मुझे ओवरऑल ट्रेंड का भुला दिया, लाइक मिसमैच हो गया, लाइक कॉन्फिडेंस लो हो गया, तो उधर में मेरा लाइक काउंटर ट्रेंड में मेरा बैंड बजा दिया, और तो मैं पूरा फॉल कैप्चर कर पाता वो चीज, बस वो कॉन्फिडेंस ने हिला दिया, तो मतलब मैं नहीं ले पाया वो चीज को। ये चीज मैंने कब से बता के रखी थी कि निफ्टी यहीं तक आएगा। हाँ, इधर से मतलब स्ट्रॉन्ग बेस बना के ऊपर गया है तो ये। उसके बाद कल भी मैंने एक इमेज भेजा था निफ्टी बट बीएनएफ में क्या था सिद्ध भाई, बीएनएफ का गेम तो सेम ही है ना, यही तो लेवल है, यही पे तो रुका। हाँ, ये सिर्फ एक्सपायरी के चक्कर में और कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट इधर में तो एंट्री करने का भी मौका नहीं था कल। बस आज ये जो फॉल हुआ मतलब ये शूटिंग स्टार पे था, 5 मिनट में मिल जाएगा आपको। अच्छा। ये इस 15 मिनट पे भी एकदम स्ट्रॉन्ग बना था, 5 मिनट में छोटा सा बन गया। हाँ, इस पेज पे वाला ना। हाँ, वही सेम सेटअप जो जशो का डीपी है। हाँ, बट इधर में ना कॉन्फिडेंस का वो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं बोलूंगा, लाइक काउंटर ट्रेंड ने बजा दिया मेरा, वो मेजर ट्रेंड को मेरा मार दिया। ये कोई उतना कुछ खास ट्रेडिंग टाइम भी नहीं था, प्रीवियस डे के अंदर ही ट्रेड कर रहा है ये। हाँ, ऊपर का प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया वो चीज। ब्रेक तो किया बट वो उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। बट वही मतलब वो काउंटर ट्रेंड ने मतलब वो मुझे बोला है कि भाई क्या कर रहा है ये, वो मतलब दिमाग ने खेल लिया। ऐसा होता है ना, डोंट टेक अ ट्रेड। ओके, ट्रेड लो एसएल गया तो गया, गलत ट्रेड लोग है ना तब माइंड सेट होता यार मैं क्या कर रहा हूँ, वो माइंड सेट। चलो ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अभय बजाज, हाँ जी सर, आज से चालू? हाँ जी सर। कैसा लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है? अच्छी चीज है सर, पहली बार सुना है। क्या अच्छी चीज है वैसे तो, है ना, पर सही है सर, रिलैक्स हो रहा है पहले से तो। वही तो, ऐसा थोड़ी कि मैंने टाइम पास में दे दिया भाई, यहाँ कोहर्ट भरना बस कुछ डालते जाओ, यहाँ पे एक मेडिटेशन डाल देंगे, थोड़ा हैबिट ट्रैकर डाल देते हैं, एक तरीके से हैबिट ट्रैकर भी बना के रख लिया एक्सेल में, बट भरा ही नहीं अभी तक। चलो बस कोई नहीं, आप मेडिटेशन वगैरह करो, मेंटेन दैट, कंटिन्यू करो। एंड देवशीष, आर यू हियर? देवशीष हैज लेफ्ट क्या? हाँ, देवशीष हैड टू गो। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपन मंडे, नहीं ट्यूसडे मिलेंगे। All the best. Keep this up. इसी को maintain करो. Thank you, sir. Thank you so much. Cheers. Bye.